हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों, आज हम रीड करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास सिक्स इंग्लिश बुक हनी शक्ल से चैप्टर नंबर 8 को, ठीक है? एंड चैप्टर्स नेम इज ए गेम ऑफ चांस, यानी कि किस्मत का एक खेल, ठीक है? ये गेम मींस एक खेल, चांस मींस लक, किस्मत, ठीक है? तो किस्मत का एक खेल, राइट? इस चैप्टर का हम समरी रीड करेंगे, ठीक है बच्चों? सो लेट्स स्टार्ट। ऑन द ओकेशन ऑफ ईद एवरी ईयर ए फेयर वॉज हेल्ड इन राशिद्स विलेज, ठीक है? ओकेशन मीन्स होता है मौका, ईद एक त्योहार होता है, ठीक है? एवरी ईयर हर वर्ष, ठीक है? फेयर फेयर मीन्स मेला, राइट? विलेज मीन्स गांव, यानी कि हर वर्ष ईद के मौके पर राशिद के गांव में एक मेला लगता था, ठीक है? ट्रेडर्स फ्रॉम फार एंड नियर केम टू सेल देयर गुड्स। ट्रेडर्स मीन्स व्यापारी, ठीक है? सेल मीन्स बेचना एंड गुड्स मीन्स सामान, यानी कि दूर दूर से व्यापारी अपना सामान बेचने के लिए मेले में आते थे, ठीक है? राशिद्स अंकल टूक हिम एंड भैया देयर डोमेस्टिक हेल्पर टू द फेयर। डोमेस्टिक हेल्पर मीन्स घरेलू काम करने वाला, ठीक है? घर का काम करने वाला, राइट? यानी कि राशिद के चाचा राशिद और उसके भैया को मेले में लेकर जाते हैं, ठीक है? अंकल मेड सम फ्रेंड्स, राइट? राशिद के अंकल कुछ दोस्तों से मिलते हैं। सो ही लेफ्ट राशिद एंड भैया टू सी द फेयर ऑन देयर ऑन, बट फॉरबेड देम फ्रॉम बाइंग एनीथिंग इन हिज अब्सेंस, राइट? सो ही लेफ्ट, इसलिए वहाँ छोड़ देते हैं। लेफ्ट मीन्स छोड़ना, ठीक है? राशिद एंड भैया, ठीक है? इसलिए वहाँ राशिद एंड भैया को छोड़ देते हैं टू सी द फेयर, मेला देखने के लिए, ऑन देयर ऑन, अपने आप, ठीक है? इसलिए वहाँ राशिद और भैया को अपने आप मेला देखने के लिए छोड़ देते हैं, राइट? बट लेकिन फॉर बेड, फॉर बेड मीन्स होता है मना करना, ठीक है? देम उनको फ्रॉम बाइंग एनीथिंग, कुछ भी खरीदने से, इन हिज अब्सेंस। अब्सेंस मीन्स होता है अनुपस्थिति, ठीक है? और वे उन दोनों को कोई भी सामान खरीदने से मना कर देते हैं, ठीक है? वे कहते हैं कि जब तक मैं ना आऊं या मैं आप दोनों से ना कहूं, तब तक आप दोनों मेले से कोई भी सामान नहीं खरीदोगे, यानी कि मेरे से बिना पूछे आप मेले से कोई भी सामान नहीं खरीदोगे, ठीक है? नेक्स्ट, द टू वर रोमिंग अबाउट इन द फेयर व्हेन दे केम टू ए शॉप कॉल्ड द लकी शॉप, ठीक है? द टू वर रोमिंग, रोमिंग मीन्स होता है घूमना, ठीक है? दोनों मेले में घूमते हैं, उसके बाद वे एक दुकान पर जाते हैं जिसे लकी शॉप कहते हैं, ठीक है? यानी कि उस दुकान का नाम होता है लकी शॉप, ठीक है? तो उस दुकान पर वे जाते हैं, राइट? द ऑनर ऑफ द शॉप, ऑनर मीन्स मालिक, ठीक है? शॉप, शॉप मीन दुकान, यानी कि उस दुकान का मालिक वॉज ए मिडल एज्ड मैन। मिडल एज्ड मीन्स ना यंग और ना ही बूढ़ा, ठीक है? तो उसको कहते हैं मिडल एज्ड, राइट? तो जो दुकान का जो मालिक होता है, जो दुकानदार होता है, वो मिडल एज का होता है, ठीक है? ही लर्ड, लर्ड मीन्स होता है लालच देना, ठीक है? द पीपल टू कम एंड ट्राई देयर लक बाई पेइंग
50 पैसे, ठीक है, वह लोगों को लालच देता है कि लोग उसके दुकान में आए, ठीक है, और 50 पैसा देकर गेम को प्ले करें, ठीक है, मतलब वह लोगों को ऐसा लालच देता है, ठीक है, यानी कि वह लोगों को 50 पैसा देकर गेम खेलने का लालच देता है, ठीक है। द टू बॉयज स्टूड नियर द शॉप एंड वॉच्ड, ठीक है, दो लड़के दुकान के नज़दीक में खड़े होकर देखते हैं, राइट। एन ओल्ड मैन वॉन ए ब्यूटीफुल क्लॉक, ठीक है, एक बूढ़ा आदमी एक सुंदर घड़ी जीत जाता है, ठीक है। द ओल्ड मैन डिड नॉट वॉन्ट द क्लॉक, सो द शॉपकीपर टूक इट बैक एंड पैड 15 रुपीज टू द ओल्ड मैन, ठीक है, लेकिन बूढ़ा आदमी उस घड़ी को नहीं रखना चाहता है, ठीक है, यानी कि उस खेल में, उस गेम में एक बूढ़ा आदमी एक सुंदर सी घड़ी जीत जाता है, लेकिन वह घड़ी को लेना नहीं चाहता है, वह घड़ी को लेने से मना कर देता है, ठीक है। तो दुकानदार उस बूढ़े आदमी से घड़ी ले लेता है वापस, और उस घड़ी के बदले में उसको 15 रुपये दे देता है, ठीक है। नेक्स्ट, अनदर बॉय ट्राइड हिज लक एंड वॉन ए कॉम, ए फाउंटेन पेन, रिस्ट वॉच एंड ए टेबल लैम्प, वन आफ्टर द अदर इन मैनी चांसेस दैट ही प्लेड, ठीक है। एनोदर बॉय, और दूसरा लड़का, ठीक है, दूसरा लड़का उस गेम को प्ले करता है, और उस गेम में एक कंघी, एक फाउंटेन पेन, रिस वॉच यानी कि एक कलाई घड़ी, ठीक है, और एक टेबल लैम्प जीत जाता है, ठीक है, यानी कि दूसरा लड़का उस गेम को 1 बाय 1 करके प्ले करता है, ठीक है, एक एक करके उस गेम को खेलता है, राइट, और कंघी, फाउंटेन पेन, कलाई घड़ी और टेबल लैम्प जीत जाता है, राइट। ही सोल्ड ऑल द आइटम्स टू द शॉपकीपर एंड वेंट अवे हैप्पीली, ठीक है, और वहाँ जीता हुआ अपना सारा सामान उस दुकानदार को बेच देता है, ठीक है, और पैसे लेकर वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है, ठीक है। राशिद ऑल्सो वॉन्टेड टू प्ले एंड ट्राई हिज लक, ठीक है, और राशिद भी उस गेम को खेलना चाहता है, ठीक है, वह अपने किस्मत को आजमाना चाहता है, राइट। भैया इनकोरेज्ड हिम, लेकिन जो उसका भैया होता है उसे गेम प्ले करने से मना करता है, ठीक है। बट राशिद वॉज नॉट लकी वेन द ट्राइड हिज लक, ठीक है, लेकिन राशिद की किस्मत अच्छी नहीं होती है, ठीक है, जब वह गेम खेलता है, ठीक है, अपने भैया के मना करने के बाद भी वह नहीं मानता है, वह उस गेम को खेलता है, ठीक है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है किस्मत अच्छी, आगे हम पढ़ेंगे। ही वॉन ओनली चीप आइटम्स लाइक पेंसिल, इंक बॉटल एंड सून लॉस्ट ऑल हिज मनी, क्योंकि वह केवल सस्ती चीजें ही जीत पाता है, जैसे पेंसिल, इंक बॉटल यानी कि स्याही की बोतल, ठीक है, और जल्दी ही वह अपने सारे पैसे हार जाता है, ठीक है। व्हेन अंकल रिटर्न, जब अंकल वापिस आते हैं, भैया टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड, ठीक है, तो भैया अंकल को सब कुछ बता देता है कि क्या क्या हुआ है राशिद के साथ, ठीक है। अंकल डिड नॉट स्कोल्ड हिम, स्कोल्ड मीन्स होता है डांटना, ठीक है, लेकिन अंकल उसको डांटते नहीं है, किसको, राशिद को, ठीक है, अंकल सब कुछ सुनने के बाद भी राशिद को डांटते नहीं है। ही पेटेड हिम ऑन हिज बैक एंड बॉट मैनी गिफ्ट्स फॉर राशिद, ठीक है, पैटेड मीन्स होता है थपथपाना या सहलाना, ठीक है, हिज बैक मीन्स उसकी पीठ, किसकी पीठ, राशिद की, ठीक है, एंड गिफ्ट्स मीन्स होता है उपहार, मैनी मीन्स बहुत सारे,
ठीक है, यानी कि राशिद के अंकल राशिद के पेट को थपथपाते हैं, ठीक है, और उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट, बहुत सारे उपहार खरीदते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन रीचिंग होम, घर पर पहुंचकर अंकल एक्सप्लेन टू राशिद, ठीक है, अंकल राशिद को बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं द ट्रिक प्लेड ऑन हिम, ठीक है, कि उसके साथ चालाकी की गई है, ठीक है, यानी कि उसके साथ धोखा हुआ है, ठीक है। अंकल घर पहुंचकर राशिद को बताते हैं कि राशिद के साथ धोखा हुआ है, उसके साथ चालाकी की गई है, ठीक है। ट्रिक मीन्स होता है चालाकी करना, ठीक है। द ओल्ड मैन एंड द बॉय वर द शॉपकीपर्स मैन, ठीक है, जो ओल्ड मैन और जो लड़का होता है वो दोनों उस दुकानदार के ही आदमी होते हैं, उस शॉपकीपर के ही आदमी होते हैं, ठीक है। अभी आपने इससे पहले पढ़ा कि एक ओल्ड मैन घड़ी जीतता है, ठीक है, फिर वह घड़ी उस दुकानदार को देकर उसके बदले पैसे लेकर चला जाता है। उसके बाद एक दूसरा लड़का जो बहुत सारी चीज़ों को जीतता है और जीतने के बाद उन सभी चीज़ों को दुकानदार को बेचकर पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है, ठीक है। लेकिन अंकल राशिद को एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं कि बूढ़ा आदमी और बॉय दोनों उस दुकानदार के ही आदमी होते हैं, ठीक है। दे लर्ड द पीपल टू ट्राई देयर लक एंड फोल्ड देम, ठीक है, फोल्ड मीन्स होता है मूर्ख बनाना, ठीक है, यानी कि वे सब लोगों को लालच देते हैं, ठीक है, यानी कि वे सब लोगों को लालच देकर क्या करते हैं, लोगों को मूर्ख बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, ठीक है, और उनसे उनका जो पैसा होता है वो क्या करते हैं, छीन लेते हैं, मतलब उनको मूर्ख बनाकर उनसे वो पैसा कमा लेते हैं, ठीक है। अंकल टोल्ड राशिद दैट ही वॉज नॉट अनलकी ओनली फुलिस, ठीक है, और राशिद के अंकल राशिद को बताते हैं कि राशिद अनलकी नहीं था, यानी कि राशिद की किस्मत खराब नहीं थी, ठीक है, वहाँ क्या था, ओनली फुलिस, वहाँ केवल बेवकूफ था, ठीक है, यानी कि राशिद को शॉपकीपर ने बेवकूफ बनाया था, ठीक है, राशिद की किस्मत खराब नहीं थी, राशिद जो है बेवकूफ बना था, ठीक है, यानी कि फूल बन गया था, ठीक है, और फूल बनकर उसने अपना सारा मनी, वहाँ अपना सारा मनी हार गया था उस गेम में, ठीक है। तो बच्चों यहाँ चैप्टर पूरा हो गया है, ठीक है, तो इस चैप्टर का समरी पूरा हो गया है। इस चैप्टर में आपने देखा कि जो ये इस तरह का जो जो गेम होते हैं, ठीक है, इस गेम में जो दुकानदार होते हैं, जो शॉपकीपर होते हैं, वो पहले लोगों को लालच देते हैं, ठीक है, और लोग जो है उनके लालच में उनकी बातों में आ जाते हैं और आकर अपना सारा पैसा हार जाते हैं, ठीक है। तो यह चैप्टर पूरा हो चुका है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।